नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद शास्त्री। आज के वीडियो में बात करेंगे एनल फिस्टुला के बारे में। हम यह जानेंगे कि यह होता क्यों है और इसका इलाज क्या है, तथा हम यह भी जानेंगे कि इससे कैसे बचा जाए, तथा अगर आप इलाज करा रहे हों तो इलाज के दौरान आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, हम इसके बारे में भी बात जानेंगे। दोस्तों, एनल फिस्टुला को कॉमनली फिस्टुला के नाम से जाना जाता है, जिसे भकंदर भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक रास्ता है जो हमारे मल द्वार और उसके लाल सराउंडिंग्स के बीच में बन जाता है। इसके लक्षण के बारे में हम जानेंगे, कैसे पता चलेगा कि आपको फिस्टूला है या भकंदर है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ लक्षण बता देता हूँ। गुदा के आसपास के त्वचा में अगर आपको जलन महसूस होता है तो आपको यह फिस्टूला के लक्षण हो सकते हैं। बैठने, हिलने डुलने और मल त्यागने में बहुत दर्द हो रहा हो तो भी ये फिस्टूला के लक्षण हो सकते हैं। हमेशा गुदा से खून निकलना, यानी जब भी आप मल त्याग करने जा रहे हैं और उस समय गुदा से खून निकलता है, यह भी एक फिस्टूला का लक्षण हो सकता है। मल में मवाद आना, अगर आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं और उस समय मवाद आता है तो भी यह फिस्टूला का लक्षण हो सकता है। गुदा के आसपास सूजन और लाली, गुदा के आसपास वाले एरिया में अगर लाली और सूजन बना रहे तो वह भी एक फिस्टूला का लक्षण हो सकता है। कुछ मामलों में मल त्याग को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है, यानी आपसे फिर कंट्रोल नहीं होगा और आप पैंट में ही लेटिंग कर सकते हैं। गुदा के आसपास त्वचा के छेद के रूप में दिखाई देना हो सकता है, हालांकि रोगी इसे देखने में असमर्थ होता है। आपके गुदा के एरिया में एक एक्स्ट्रा छेद बन जाएगा जिसे आप देखने में असमर्थ हो सकते हैं। अगर ये सारे लक्षण आप में हैं तो फिर आपको फिस्टूला या भकंदर है। अब हम बात करेंगे इसके होने के कारण क्या है, आखिर यह लोगों में होता क्यों है। तो इसमें एक कारण है अधिक मसालेदार भोजन का सेवन करना। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में मसालेदार भोजन का सेवन करते हैं तो एक कारण हो सकता है फिस्टूला का। अत्यधिक धूम्रपान करना, ज़्यादा मात्रा में धूम्रपान करना भी एक फिस्टूला का संकेत हो सकता है। अगर आपको टीबी है तो भी आपको फिस्टूला हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो भी आपको फिस्टूला हो सकता है। या आप को हमेशा बैठे रहने का काम हो, यानी आपकी जो जीवन शैली है हमेशा बैठे रहने वाली है, तो उसमें भी आपको फिस्टूला होने के चांसेस हैं। इसके अतिरिक्त HIV एड्स होना, मधुमेह होना, इसके अतिरिक्त हाइपर लिपिडेमिया होना, अगर ये सारी समस्याएं हैं तो इसके वजह से भी आपको फिस्टूला हो सकता है। अब हम इसके लक्षण को जान चुके हैं तथा हम इसके कारण को भी जान सकते चुके हैं कि क्यों यह होता है, तो हम अब इसके बचाव के बारे में जानेंगे कि कैसे इससे बचा जाए। अगर आपको हो गया है तो आप इससे कैसे बचेंगे, और अगर नहीं हुआ है फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस नियम का पालन अगर करते हैं तो आपको भविष्य में कभी भी फिस्टूला या भकंदर नहीं हो सकता। जिसमें पहला है उच्च फाइबर वाले आहार का सेवन करना, यानी आप जो भोजन करें उसमें फाइबर का मात्रा ज़्यादा हो। इससे क्या होगा कि खाना पचने में आसानी होगी और आप मल आसानी से त्याग कर पाएंगे, तो आपको फिर फिस्टूला या भकंदर की समस्या नहीं होगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उच्च फाइबर वाले कौन से आहार हैं, तो उसमें पहला है दलिया, साबुत अनाज खाएं, दलिया खाएं, ब्राउन राइस खाएं, दाल और बीन्स खाएं, ब्रसेल्स और स्पाउट्स खाएं, सब्जियां खाएं, और जो फल है उसमें केले खाएं, सेब खाएं, नाशपाती खाएं, और जामुन मिले तो जामुन खाएं। ये सारे चीज़ इस कंडीशन को रोकने में बहुत ही फायदेमंद है। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पिए। पानी क्या करता है कि बॉडी में आपको मल को काढ़ा होने या टाइट होने से रोकता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। अपने गुदा क्षेत्र के सफाई और उसके सुखापन का ख्याल रखें। आप अपने गुदा क्षेत्र का व्यापक पैमाने पर साफ करें तथा उसे कभी भी गंदा ना होने दें। और दूसरा ये है कि स्टूल पास करते समय तनाव न लें। अगर आप गए हैं फ्रेश होने के लिए तो ज़्यादा प्रेशर न बनाएं, आराम से बैठे रहें, नियमित व्यायाम करें। अगर इससे बचने का एक और उपाय है कि आप हमेशा व्यायाम करें, नियमित व्यायाम करें, डेली 1 घंटे का समय निकालें और व्यायाम करें। इससे भी आपको फिस्टूला होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर इसके बाद भी आपको फिस्टूला से राहत नहीं मिलता है या आपका स्थिति और बिगड़ने लगता है, तब आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता है। आप अपने डॉक्टर से मिलें और एक प्रोफेशनल डॉक्टर से ही सर्जरी कराएं, क्योंकि इसके बाद कोई उपचार नहीं बच जाता, कोई दवा नहीं होती, तो आपको सर्जरी कराना पड़ सकता है। और सर्जरी जब भी कराएं तो एक प्रोफेशनल डॉक्टर से ही सर्जरी कराएं, नहीं तो केस और बिगड़ सकता है।
और जब आप सर्जरी करा लेते हैं तो कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करना है और उन्हें कुछ काम को नहीं करना है, तो इसका भी ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला काम, उपचार पूरा होने तक गुदा क्षेत्र पर एक पैड पहने, जब तक कि आपका बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको एक पैड पहनना है। और क्या नहीं करना है, बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा न ले, ऐसे ही किसी काउंटर से जाकर दवा ना खरीदे, डॉक्टर से सलाह ले इसके बाद ही दवा खरीदे। दूसरा है, मसालेदार और ऑयली सब्जी ऑयली चीज खाने से परहेज करें, कोई भी मसालेदार चीज खाने से परहेज करें तथा नमकीन चीज